महातूफान अम्फान ने हिंदुस्तान में दस्तक दे दी है। बुधवार की शाम को ये पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके दीघा से टकराया। इस दौरान यहां तूफान की रफ्तार करीब 185 किलोमीटर प्रति घंटे दर्ज की गई। तूफान से पश्चिम बंगाल में दो लोगों की मौत की भी खबर है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला चक्रवाती तूफान अम्फान के कारण भारत और बांग्लादेश के तटीय इलाकों से बड़ी संख्या में लोगों को हटाया गया है। पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान के असर से राजधानी कोलकाता समेत 7 जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश शुरू हो गई है। तटवर्ती इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में ज्यादातर दुकानें और बाजार बंद हैं। 3 लाख लोगों को सुरक्षा लॉकडाउन के चौथे चरण के बीच 25 मई से देश की घरेलू उड़ान यूपी में ईद को लेकर मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज की इजाजत की मांग को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट में ईद पर मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज पढ़ने की इजाजत को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी। मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि पहले राज्य सरकार से इस संबंध में अनुरोध किया जाए। अर्जी के खारिज या पेंडिंग होने पर ही अदालत इस पर सुनवाई करेगी। कोरोना लॉकडाउन के बीच और दिल्ली में कुछ छूट के बाद गुरुग्राम सीमा से चौंकाने वाली खबरें आईं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर पालम विहार के पास मजदूरों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इनमें महिलाएं भी शामिल थीं। उनका कहना था कि पुलिस बॉर्डर पार नहीं करने दे रही। हरियाणा में इंडस्ट्रियल कामकाज शुरू हो गया है, इसलिए दिल्ली के मजदूर कापसहेड़ा और बिजवासन से होते हुए गुरुग्राम में एंट्री कर रहे थे। दिल्ली के मजदूरों का यूपी में घुसने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कुछ मजदूर गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस उन्हें डंडों से खदेड़कर वापस दिल्ली भेज रही है। लॉकडाउन के बीच मजदूरों का एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने का सिलसिला अभी भी जारी है। दिल्ली के प्रवासी मजदूरों का अपने अपने राज्य की तरफ लौटने का सिलसिला जारी है। घर वापसी के लिए मजदूरों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। नेशनल हाईवे पर परिवार और सामान समेत बैठे हैं मजदूर। दिल्ली से दूसरे राज्यों में जाने के लिए करवाया था रजिस्ट्रेशन, पर वक्त पर स्क्रीनिंग नहीं होने की वजह से मजदूरों की लगी है भीड़। देश में कोरोना के एक दिन में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 5,711 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र में 24 घंटों में कोरोना के 2,000 नए मरीज, तमिलनाडु में 700 और दिल्ली में 500 नए मामले। इस दौरान देश भर में करीब 140 लोगों की मौत भी हो गई है। कुल मरीजों की तादाद बढ़कर 1,06,000 पहुंच चुकी है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के पंदाच इलाके में बीएसएफ की टीम पर आतंकियों ने हमला कर दिया। इस हमले में बीएसएफ के 2 जवान घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। हमले में गंभीर रूप से घायल होने के कारण दोनों ही जवान शहीद हो गए। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में छानबीन शुरू कर दी है। आशंका है कि कुछ आतंकी आसपास ही छिपे हो सकते हैं। इनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। एलओसी के पार पाकिस्तान के 300 से ज्यादा आतंकी मौजूद हैं और वो भारत में घुसपैठ करने की फिराक में है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह के मुताबिक एलओसी के पार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कई आतंकी ठिकाने सक्रिय हैं, जिनमें 300 से ज्यादा आतंकी मौजूद हैं और ये मौके का फायदा उठाकर भारत में घुसने की कोशिश कर सकते हैं।